हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम टू माय चैनल परसूट ऑफ ट्रैवल। मेरा नाम है दीपिका और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लद्दाख जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, कौन से मंथ्स हैं जिसमें आपको अपना लद्दाख का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन से मंथ्स हैं जो आपको अपना ट्रिप जिस मंथ में प्लान नहीं करना चाहिए। इन सभी मंथ्स के ऊपर मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ सो दैट आप अपना ट्रिप अपने ट्रैवल टाइप के अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। लद्दाख में टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से। अप्रैल मंथ में सारी चीजें रीओपन होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, सारी चीजें रीओपन होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से आपको होटल्स पे काफी हैवी डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। अगेन अगर बात की जाए लेक्स की, तो जो लेक्स है, पैंगोंग लेक है, सोमोरी लेक है, वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब वापस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर आप इस टाइम अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो बाय रोड, तो आप इस टाइम अपना ट्रिप बाय रोड नहीं प्लान कर सकते। इस टाइम आप सिर्फ बाय एयर ही लद्दाख आ सकते हो, क्योंकि जो पासेस हैं खारदुंगला, चांगला, वो अभी भी ओपन नहीं होते अप्रैल मंथ में। एंड स्टिल अगर आप बाय एयर भी आ रहे हो एंड उसके बाद भी आपका फर्दर ट्रैवल का प्लान है लेह के आगे भी, तो आपको लोकल गाइड्स के साथ डिस्कस करना होगा पहले कि रोड की कंडीशन क्या है, रोड कंडीशन चेक करनी होगी, देन ही आप अपना ट्रिप फर्दर प्लान कर सकते हो। क्योंकि कई बार हैवी स्नो फॉल की वजह से रोड क्लियर नहीं हो पाती एंड रोड स्लिपरी होती है, तो बेटर है कि आप चेक करके ही आगे प्लान करें। दिन में टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो डे टाइम पे टेम्परेचर रहता है अराउंड 5 to 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, एंड रात को ठंड होती है एंड अभी भी टेम्परेचर -5 -10 तक ड्रॉप होके पहुंच जाता है। जैसे जैसे अप्रैल से मई मंथ स्टार्ट होने लगता है, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है डे बाय डे। एंड इस टाइम मई के मंथ में जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो 5 to 20 डिग्रीज के अराउंड मिलेगा। एंड इस टाइम जो सारे हाईवेज हैं, जैसे लेह श्रीनगर हाईवे एंड मनाली से ले आने का जो रास्ता है वो भी ओपन हो चुका होता है, पर स्टिल ये बाय रोड आने का बेस्ट टाइम नहीं है, क्योंकि रोड स्नो होने की वजह से अभी भी जो रोड है वो स्लिपरी रहती है एंड जो कंडीशन है रोड की वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। आपको प्रॉब्लम हो सकती है रास्ते में, बट अगर आप इस टाइम अपना ट्रिप बाय एयर प्लान करते हो तो आप इसको इजीली प्लान कर सकते हो। एंड जो फर्दर आपको ट्रैवल करना है ले आने के बाद, उसके लिए आप एक बार रोड कंडीशन चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी भी स्नो आपको वहां पे मई लद्दाख में देखने को मिल जाएगी मई के मंथ में। एंड जो सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है, जैसे ट्रैकिंग, साइकिलिंग एंड राफ्टिंग, वो भी सब मई मंथ में स्टार्ट हो जाती है। सो यस, आप बहुत कुछ मई मंथ में कर सकते हो। अगर आपको स्नो देखनी है तो आप स्नो देख सकते हो वहां पे ले लद्दाख जाके। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो आप मई के मंथ में डेफिनेटली कर सकते हो और अपना ट्रिप बाय एयर प्लान कर सकते हो। जो अप्रैल और मई का टाइम है, इस मंथ में आपको टेम्परेचर में एंड वेदर में सडन चेंज भी मिल सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। अब बात करते हैं जून की, जो कि कंसीडर किया जाता है लद्दाख घूमने के लिए एक बहुत ही बेस्ट टाइम। ये सबसे अच्छा मंथ है जिसमें आप अपना ट्रिप बाय रोड एंड बाय एयर किसी भी तरह से आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। एंड द ग्रेट थिंग इज कि इस टाइम आपको सारे पासेस फंक्शनल मिलेंगे, आपको रोड में कम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड श्रीनगर, ले हाईवे, मनाली हाईवे भी आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा एंड फुल्ली फंक्शनल मिलेगा। एंड अगर बात की जाए एडवेंचरस एक्टिविटीज की, तो जून में मंथ में सारी जो एडवेंचर एक्टिविटीज है वो फुल्ली फंक्शनल होती है। आप कोई भी एडवेंचर इस टाइम पे कर सकते हो इजीली। एंड जो ट्रैक्स हैं वो भी प्रेफर किया जाता है कि आप जून के मंथ में करो, क्योंकि जो स्नो है वो सारी माउंटेन से मेल्ट हो चुकी होती है, तो आपको ट्रैकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। फिर बात करते हैं लद्दाख के पीक सीजन की, जो कि है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इन तीनों ही मंथ को लद्दाख का पीक सीजन कंसीडर किया जाता है। इस टाइम बहुत टूरिस्ट हैं जो ट्रैवल करने आते हैं, क्योंकि जो बाय रोड आना चाहते हैं एंड बाय एयर जो अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ही ये बहुत ही
परफेक्ट टाइम होता है लद्दाख का ट्रिप प्लान करने के लिए। इस टाइम आपको सारे पासेस हैं वो ओपन मिलेंगे। एंड टिप आपके लिए ये है इस टाइम कि आप जहां भी जाना हो, आपको दूसरी जगह आप कम्यूट कर रहे हो, उस टाइम आपको अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना होगा। अदरवाइज आपको जो पासेस है उन पर बहुत ही हैवी जाम देखने को मिल सकता है। एंड बहुत वेट करने के बाद आपको वहां से क्रॉस करने का आपका नंबर आएगा। तो आपसे एडवाइस यही है कि जहां भी जाना हो आप जल्दी निकलें। इस टाइम रोड कंडीशंस बहुत परफेक्ट होने की वजह से जो बहुत जो बाइकर्स हैं एंड बाय रोड जो भी ट्रैवल करने वाले होते हैं वो इस टाइम आना प्रेफर करते हैं। एंड ये बहुत ही एक अच्छा टाइम है। आता है अक्टूबर, अक्टूबर में ग्रेजुअली वापस से विंटर आने लग जाती है एंड इस टाइम टेम्परेचर जो है वो वापस डाउन साइड जाने लग जाता है। बट हाँ, अगर आपको अपना ट्रिप प्लान करना है अक्टूबर में तो आप 10 to 15 अक्टूबर के अराउंड तक ही अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। उसके बाद स्नोफॉल हो जाएगी एंड स्नोफॉल के बाद जो सारे पासेस हैं वो वापस से बंद होने लग जाते हैं। स्नो के बाद जो लेह मनाली हाईवे है एंड श्रीनगर लेह हाईवे है वो भी सारे बंद होने लग जाते हैं स्नोफॉल की वजह से। एंड उसके बाद आपको ट्रैवल करने में आप नहीं कर पाओगे ट्रैवल क्योंकि ठंड भी हो जाती है एंड जो रोड्स हैं उसकी कंडीशंस बेटर नहीं होती। वापस से स्नोफॉल की वजह से जो पासेस है वो बंद होने लग जाते हैं। एंड इस टाइम आपको एडवाइस है अगर आप प्लान कर भी रहे हो अपनी ट्रिप तो आप 15 अक्टूबर तक अपनी ट्रिप प्लान कर लें एंड सब कुछ रैप अप कर दें। 15 अक्टूबर तक आप ट्रिप करके वापस आ जाए एंड स्टिल इस टाइम आप अपने प्रॉपर विंटर क्लोथ्स अपने साथ कैरी करें क्योंकि इस टाइम एक्सट्रीम ठंड होती है। रात में बहुत ठंडा होता है टेम्परेचर। तो ये एडवाइस है। बाकी मैंने जब ट्रैवल किया था तो मैंने अक्टूबर मंथ में ही आप ट्रैवल किया था। इस टाइम बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। होटल्स आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे बट इस टाइम होटल की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। बहुत सारे होटल ओनर जो है अक्टूबर से ऑपरेट करना बंद कर देते हैं लेह में क्योंकि यहाँ से जो सीजन है वो खत्म हो जाता है लद्दाख का। तो हाँ, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको कॉल करके पहले सारी जो भी आपकी बुकिंग्स हैं वो आप प्री बुक करवा लें तभी आप अपना ट्रिप अक्टूबर में प्लान करें। नवंबर से मार्च के बीच में लद्दाख में होता है विंटर स्टार्ट। विंटर में एडवाइस नहीं है कि आप ट्रैवल करें। अगर आप ट्रैवल करना भी चाहते हैं तो हाँ, आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर होनी चाहिए कि आप यूजुअली ट्रैवल करते रहते हो अगर ऐसी प्लेसेस पे आप हैबिचुअल हो एक्सट्रीम टेम्परेचर बियर करने के लिए तभी आप इस टाइम पे अपना ट्रिप प्लान करें। अदरवाइज आप इस टाइम पे अपना ट्रिप प्लान मत करें। बाय रोड तो आप नहीं ट्रैवल कर सकते। अगर आपको प्लान करना है इस टाइम तो आप बाय एयर अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो और वो भी पूरे आपको विंटर के लिए प्रिपेयर होना है। हाउएवर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ट्रैवल एट दिस टाइम एंड हो सके तो आप इस टाइम को अवॉइड करें। बाकी सारा जो मंथ है जो मैंने आपको बताया उसमें आप इजीली अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हो और ट्रैवल बहुत ही अच्छे से आप अपनी जर्नी एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी सारी डिटेल्स। मैंने आपको हर मंथ के बारे में बताया कि कौन से मंथ में कैसा रहेगा, कौन से मंथ में आपको कितना टेम्परेचर मिलेगा। तो इस सब से इंफॉर्मेशन से आप अपना ट्रिप खुद से प्लान कर सकते हैं एंड ट्रैवल कर सकते हैं। एंड आप किसी भी मंथ में जाएं लद्दाख, आपके जो प्रिकॉशंस हैं वो ये होने वाले हैं आपके कि आपको जो परमिट्स हैं लद्दाख के वो पहले से ही ऑनलाइन बुक करके जाने हैं। अदरवाइज आपको वहां जाने के बाद 2 से 3 दिन आपके वेस्ट होंगे। आपको अपनी बॉडी को प्रॉपरली एक्लिमेटाइज करना है सो दैट आप हाई एल्टीट्यूड पे जब आगे ट्रैवल करें तो आपको डिजीनेस ना हो, आपके ऑक्सीजन लेवल डाउन ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखें, पानी पीना मत भूलें क्योंकि तो पानी पीते रहेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं आपको कि आपका ऑक्सीजन ड्रॉप हो। एंड आपको जो भी वॉर्म क्लोथ्स हैं वो आपको अपने साथ कैरी करना ही है रिगार्डलेस ऑफ एनी मंथ और किस सीजन में आप जा रहे हो। आपको वॉर्म क्लोथ्स आपके पास होने ही चाहिए। एंड ये भी एडवाइस है मेरी कि आप जब भी जाएं तो एक छोटा मिनी जो ऑक्सीजन सिलेंडर आता है कॉम्पैक्ट आप वो भी अपने साथ कैरी करें क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्लेसेस है वहां पे आपको बहुत दूर दूर तक लोग भी नहीं मिलने वाले। अगर आप बाय रोड अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको मेडिकल सर्विस नहीं मिलेगी सो दैट आपके पास अपने लिए इमरजेंसी केयर हो। सो दैट इज एडवाइजेबल कि आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपका ट्रैवल प्लान करने में बहुत हेल्प करे ये वीडियो। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं आपको कमेंट में पूछ सकते हैं।